नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है वह है वर्तमान में बाल साहित्य की आवश्यकता। बाल साहित्य की आवश्यकता जो विषय है वो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। कभी कभी जो आपका पेपर है मीडिया और समाज, जो MAJMC 106 न्यू का पेपर है, उसके अंतर्गत परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि बाल साहित्य की क्यों आवश्यकता है, या बाल साहित्य क्या होता है, या महिला सशक्तिकरण कैसे होता है। तो कई बार समाज से जुड़े ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे प्रश्न पत्र में जो कि समाज के लिए तो उपयोगी होते ही हैं और एज ए विद्यार्थी आपके लिए भी उपयोगी होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको इसी विषय पर विस्तार से जानकारी दी जाए कि बाल साहित्य क्या होता है, बाल साहित्य को कैसे लिखा जाता है और आप बाल साहित्य को समझ पाएं। यह विषय ऐसा है कि आपको सिर्फ ना प्रश्न पत्र के लिए, एग्जाम के लिए, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उपयोगी है। जब हम बात करें बच्चों की या बाल साहित्य की, तो वर्तमान में कई सारे माध्यमों में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिंट में, रेडियो में, इंटरनेट में, हर जगह कहीं ना कहीं बाल साहित्य के बारे में चर्चा होती ही होती है। बाल साहित्य के बारे में हर जगह चर्चा होती ही होती है, चाहे वो प्रिंट हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो। तो आपको इस विषय को दो तरीके से पढ़ना होगा। पहला तो ये कि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि बाल साहित्य क्या होता है और बाल साहित्य कैसे करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से, और दूसरा अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है बाल साहित्य कि अगर आपने इसको पकड़ लिया तो निश्चित ही आप एक अच्छा खासा नाम और साथ साथ देश की सेवा दोनों कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और बालकों को देश का भविष्य। बालक हो या बालिका, जो भी बच्चे हैं उनको देश का भविष्य कहा जाता है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, जितने सरल बच्चों का मन होता है, जितना चंचल बच्चों का मन होता है, उतना ही कठिन होता है बाल साहित्य को लिखना। तो ये वो विधा है जिसमें लेखक को, बतौर एक लेखक, आपको ना सिर्फ बच्चों के मन को समझना होता है, बाल मन को समझना पड़ता है, बल्कि आपको साहित्य की विधाओं को भी समझना पड़ता है। तो देखने में जितना सरल है बच्चों के लिए लिखना, वास्तव में उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको एक बच्चे के हिसाब से, एक बच्चे के दृष्टिकोण से शब्दों को लेकर लिखना पड़ता है। जो भाषा शैली हो या जो शब्द प्रयोग हो, जो भी विषय चुने जाएं, जैसे अभी वर्तमान में, अभी कुछ समय पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया या योग दिवस मनाया जाने वाला है, या ऐसे कई सारे विषय हैं जो कि देश के लिए उपयोगी हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें बच्चों के बाल मन पर कैसे पहुँचाया जाए, कैसे बच्चों तक ये चीज़ कही जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए, ये सारा काम जो है बाल साहित्य बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आप बच्चों की रुचि के विषय को पकड़िए सबसे पहले, फिर भाषा शैली और शब्दों का प्रयोग ऐसा करिए जो बच्चों के मन के अनुरूप हो, और निश्चय ही ये कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के हिसाब से लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो बाल साहित्य के स्वरूप को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाल साहित्य क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बाल साहित्य जो है पुस्तकों में भी देखने को मिलता है, आपने देखा होगा चंपक, नंदन, बालहंस, ऐसी कई पत्रिकाएं आती हैं, रेडियो में भी बाल संग, नन्ही दुनिया, इस तरीके के प्रोग्राम आते हैं, इंटरनेट पर कई सारे बच्चों के यूट्यूब चैनल उपलब्ध हैं, या फिर कई सारे और बच्चों के प्रोग्राम करने के टेलीविज़न पर कार्टून चैनल आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ हैं जहाँ पर, बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम आते हैं। फिर आपको ये समझना होगा कि बाल साहित्य की वर्तमान में चुनौतियाँ क्या हैं। जैसे कि अगर आपसे कहें तो एक बहुत बड़ी बात आती है भाषा शैली की, तो बच्चे के मन को आपने समझ लिया, लेकिन बच्चों के मन तक वो बात पहुंचानी है, उन्हें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, तो सबसे कठिन अगर पहले चुनौतियों की जब हम बात करें तो पहली चुनौती आती है भाषा शैली की। हमने विषय चुन लिया जो बच्चों के मन की होना चाहिए, बच्चों की रुचि का होना चाहिए, फिर हमें उस भाषा शैली पर जाना होगा कि बच्चे समझ सकें। नोबिता कार्टून है या डोरेमान कार्टून है, तो ऐसे बहुत सारे कार्टून चैनल्स हैं जो बच्चों के मन मस्तिष्क पे छप चुके हैं,
हम लोगों का बचपन भी बीता है चंपक, बालहंस, नंदन पढ़ के, तो कहीं ना कहीं लेखन की विधाओं को आपको समझना होगा। तो उन जब उन सारी चुनौतियों को आप पूरा कर लेंगे तो आप एक अच्छे बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, बाल साहित्य से जुड़े कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी हैं जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो लिखते वक्त मुझे चुनौतियाँ हुई या जब मैं बचपन में बालहंस चंपक के लिए लिख रही हूँ। क्योंकि एज ए विद्यार्थी आपको ये समझना होगा कि जब तक हम अपने अनुभवों को बाल साहित्य में नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम अपने विचार को और बच्चे के विचार को दोनों को मिला के नहीं लिखेंगे, तब तक हम बात को सटीक तरीके से बच्चों तक नहीं पहुँचा सकते हैं। और वर्तमान में बाल साहित्य की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं बाल साहित्य के स्वरूप की। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की कहानियाँ कई जगह देखने को मिलती हैं। आप अगर देखेंगे कई पुस्तकें, जैसे मैंने जिक्र किया था, चंपक, नंदन, बालहंस, चंदा मामा, पहले आती थी सुमन सौरभ, जो किशोरावस्था या टीनेजर्स बच्चों के लिए है। फिर कुछ कहानियाँ अलग से आती हैं, जैसे गीता प्रेस में वीर बालक बालिकाएँ, या अलग से आप देखेंगे फेरी टेल की कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी अलग अलग किताबों के संकलन श्रीनिवास जी की हैं किताबें, बहुत सारे बच्चों की कहानियों के अलग से एक संग्रह के रूप में किताबें भी आती हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। फिर कभी कभी आपने देखा हो कि मैगजीन या समाचार पत्रों में भी बच्चों के कॉलम आते हैं जिसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जाती हैं, संदेश लिखे जाते हैं, कविताएँ लिखी जाती हैं। और इन सब के अतिरिक्त दादा दादी नाना नानी, इन सब के जरिए जो कहानियों की परंपरागत या लोक परंपराएँ हैं उसके जरिए भी बहुत सारी बाल कहानियाँ या बाल साहित्य आपको देखने को मिल सकता है। वर्तमान में ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकों का भी जमाना है। आकाशवाणी की भी बात हम कर सकते हैं, तो कार्टून चैनलों में बहुत सारे जगह आधुनिक स्वरूप और परंपरागत स्वरूप। ये समझ लीजिए कि बाल साहित्य की दोनों ही विधाओं में, चाहे वो आधुनिक माध्यमों के जरिए हम बात करें या पुरातन या परंपरागत शैलियों की बात करें, हर जगह बाल साहित्य देखने को मिलता है। तो हर जगह आपको बाल साहित्य अलग अलग रूपों में मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने बाल साहित्य लिखने की शुरुआत अपने क्लास 8 से की थी, और उसके बाद चंपक, नंदन, बालहंस कई जगह मैं लिखती रही, और मेरे व्यक्तिगत अनुभव लेखकों के जरिए उभरते रहे, कई संपादकों ने सुझाव दिए, और उस तरीके से मेरा वो चीज़ें बढ़ती रही। अब मैं बात करना चाहूँगी बाल साहित्य से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। अब चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो चुनौतियों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो बच्चों के मन को समझने का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अभिभावक पढ़ रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं अभिभावक नहीं देखते हैं। अब मैं बात करूंगी बाल साहित्य की चुनौतियों की। तो चुनौतियों में सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिकता के दौर में बच्चे बाल मन को खोते जा रहे हैं, उनके अभिभावकों के पास समय है ना वो कुछ। बाल कहानियों की जब हम बात करते हैं तो बाल कहानियाँ कई तरीके की होती हैं। बाल साहित्य आप देखते होंगे कई बार कहानियाँ तो जो मैंने लिखी थी उसमें थे कुछ ऐसे परिश्रम, ये छपी थी शाबाश मेमने, आलसी पिंकी, मोटू चूहा। तो कई बार हम जो प्रकृति में चीज़ें होती हैं उनका एक मानवीकरण करके बच्चों के लिए लिखते हैं। बच्चों के मन में बहुत सारी कल्पनाएँ आती हैं ना छोटी छोटी, कि चूहा है वो क्या बोल सकता है, इंसान कैसे बोल सकते हैं, इंसान और मेमनी में संवाद कैसे हो सकता है। तो उन संभावनाओं के आधार पर भी हम कहानियाँ लिख सकते हैं या बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी थी जो कि सच्चा न्याय, सोन पड़ी, वह दिवाली, जो कि आपकी सीख देने वाली थी, कल्पनाओं के साथ साथ जिनमें एक मैसेज हो या संदेश हो। तो बाल कहानियाँ लिखते हुए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की रुचि की हो, उनमें कोई शुभकामनाएँ हों, कुछ संदेश हो, उनमें कुछ करने की इच्छा हो। और साथ साथ कई बार हम ऐसे करते हैं जो हमारे यंत्र हैं जो नहीं बोल सकते, निर्जीव वस्तुओं का भी मानवीकरण करके कहानी लिखी जाती हैं। आपने से कई सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सीख देनी है। तो इस तरीके की कहानियों में रेडियो की कहानी, चूल्हा और सिलेंडर जैसी कहानियाँ लिखी थी कि एक चूल्हा और सिलेंडर आपस में कैसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो इन सारी बाल कहानियों के साथ में अब मैं बात करूँगी चुनौतियों की। तो जब आप कहाँ बाल कहानियों को लिखते हैं या बच्चों के बारे में कुछ लिखते हैं तो कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। वो चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि समय का अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बच्चों के लिए सटीक भाषा में लिख नहीं पाते हैं, या आधुनिकता के दौर में बच्चे जो हैं काफ़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, बड़ों के मनोरंजन पर ध्यान देते हैं, फिल्में देखते हैं, कंप्यूटर गेम खेलते हैं, लेकिन वो लेखन या बाल साहित्य की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले कुछ निष्कर्ष स्वरूप जो बात मुझे लगी थी उसमें ये था कि कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो ज़्यादा
बिकती हैं वर्तमान में। तो आपको पहले उस ट्रेंड को भी पकड़ना होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब बाल साहित्य को बढ़ावा देना है तो हमें मार्केट को भी समझना होगा। एक तरफ हमने बच्चों के मन को समझ लिया, दूसरी तरफ हमने किस तरीके के साहित्य लिखना है, कैसे बाल साहित्य पे काम किया जाता है उस पर समझना होगा। और फिर उसके बाद हमें यह देखना होगा कि जो मॉल में देखते होंगे आप काफ़ी सारी हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा की बहुत सुंदर सुंदर चित्रों के साथ में कहानियाँ उपलब्ध होती हैं, फिर कुछ सस्ती और सामान्य ज्ञान देने वाली जो किताबें होती हैं वो भी लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं, जीके की या ABCD वाली, ऐसी आपने किताबें देखी होंगी। फिर इसके बाद जो एवरग्रीन कहानियाँ जो हमेशा से, चाहे हमारा बचपन हो या आपका बचपन हो, कई ऐसी कहानियाँ होती हैं जो बच्चों के मन में हमेशा से प्रभाव छोड़ती रही हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, परी कथाएँ, अकबर बीरबल के किस्से, इतिहास से जुड़े रोचक किस्से, अली बाबा गुलीवर, रुपेंजल की कहानियाँ, स्नो वाइट, अली बाबा 40 चोर, ऐसे कई सारे काल्पनिक किरदार हैं, ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ, परंपराएँ हैं जो बच्चों को हमेशा से पसंद आती रही हैं। आज के समय में भी प्यारे विद्यार्थियों, ये आप समझ लीजिए अच्छे बाल लेखकों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी फिल्में बन रही हैं, जितना भी साहित्य बन रहा है, जिस जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उन लेखकों में बच्चों के लिए लिखने वाले लेखकों की कमी है। तो अगर आप इस विधा को चुनते हैं और बच्चों के बारे में अच्छा लिखना शुरू करते हैं तो निश्चित ही आप एक समाज को सही दिशा दे पाएंगे, क्योंकि यही हमारे भारत देश का भविष्य है, यही विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाले आधार स्तंभ हैं, और यही बच्चे कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भारत का नाम आगे करेंगे। अब उन बच्चों के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव डालना है, कैसी कहानियाँ लिखनी है, कैसे कहानियों का निर्माण करना, अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं, अच्छे बाल साहित्य का निर्माण कर लेते हैं, तो निश्चय ही ये एक देश सेवा के साथ साथ आपके लिए एक अच्छा उपयोगी प्रोफेशन भी हो सकता है। अभी TV और इंटरनेट ने बहुत बड़ी चुनौती दी है बाल साहित्य के लिए, क्योंकि बच्चे इंटरनेट पे देखते हैं, कार्टून चैनल देखते हैं, उसमें जो भाषा शैली का प्रयोग आ रहा है, जो शब्दों का प्रयोग आ रहा है, एक कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। उस प्रश्न चिन्ह को समझना होगा, उन भाषा शैलियों को अच्छे से प्रयोग करना होगा, और हमें एक ट्रेडिशन बना लेना चाहिए कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करें। जितना हम खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में बाल साहित्य को अगर बढ़ावा देना है तो अपने घरों के बच्चों में पढ़ने की हैबिट डालिए। जब वो पढ़ेंगे, उनको छोटी छोटी किताबें पढ़ने को दी जाएंगी, वो उसमें कहानियाँ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, निश्चित ही जैसे हमने और आपने अपने बचपन में किया है, तो कहीं ना कहीं बाल साहित्य के प्रति उनका भी रुझान बढ़ेगा और आपकी भी जो मेहनत है, जो सार्थकता है, वो कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होगी। और इस संबंध में मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगी, अच्छे बाल साहित्य की कैसे संरचना करें, कैसे उसको वो करें, इसके बारे में मैं आपको कुछ उपयोगी सुझाव देना चाहूँगी। वर्तमान परिवेश में बच्चों की तार्किक क्षमता, सहन शक्ति और पढ़ने की आदत को विकसित करना बहुत जरूरी है, ये एक बाल साहित्य में अच्छा योगदान दे सकता है। दूसरा, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए, यहाँ पे मैंने एक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, या किसी भी भाषा के अनुवाद को सीखने के लिए ये छोटी छोटी कहानियाँ या बाल साहित्य एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। तो आप बाल साहित्य का उपयोग अलग अलग भाषाओं में अनुवाद के जरिए भी कर सकते हैं, जिससे बच्चे रोचकता के साथ में एक अलग भाषा को, एक दूसरी भाषा को सीखने के लिए तत्पर और जागरूक होंगे। शिक्षाप्रद और संस्कारवान कहानियों को लिखकर हम उनके अंदर धीरे धीरे वो बीज डाल सकते हैं, वो संस्कार डाल सकते हैं, क्योंकि सीधी बात कहने से शायद बच्चे उतना ना समझ पाएं जितना कहानियों के जरिए, बाल साहित्य के जरिए, रोचकता के जरिए समझ सकते हैं। ये सत्य है कि वर्तमान में बाल साहित्य को उतनी प्रासंगिकता नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए थी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे नौनिहाल हैं, आप विद्यार्थियों, आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप में से अगर कोई भी बाल साहित्य की विधा को चुनता है और इन बारीकियों को समझता है, तो निश्चय ही भावी पीढ़ी के लिए वो एक अच्छे साहित्य का निर्माण कर सकता है। बच्चों की भाषा और व्यवहार में सुधार लाना हो, कई बार हमने देखा कि हमारी बहुत बड़ी समस्या होती है आज के समय में कि बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, उनके अंदर बहुत उत्साहहीनता आ रही है, आलसी होते जा रहे हैं, तो कभी कभी उन्हें उपदेश की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी कहानियाँ किस्से के जरिए, जैसा कि दादी नानी कर लेती थी, उस तरीके की कहानियाँ लिखकर हम उनके जीवन में इस तरीके की कई सारी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बाल साहित्य एक बहुत अच्छी विधा है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको ये बताने का कि बाल साहित्य कैसे लिखा जा सकता है, कैसे आप एक बाल साहित्यकार के रूप में उन बारीकियों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बाल साहित्य की वर्तमान में क्या उपयोगिता है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अगर आपसे
प्रश्न पत्र में, किसी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि बच्चों के लिए साहित्य कैसे लिखा जाए, या बच्चों के लिए साहित्य क्या होता है, बाल साहित्य क्या होता है, बच्चों की कहानी लिखने में किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें आप मेरे दिए हुए सुझावों के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क से या अपने अनुभवों को शेयर करते हुए भी अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, एक ऐसा कोर्स है, और यह खास करके जो आपका पेपर है मीडिया और समाज, इसमें आप धीरे धीरे देखेंगे बहुत सारे सवाल सिलेबस से आते हैं, बहुत सारे सिलेबस ऐसे आते हैं जो समाज में बिखरे तथ्यों को जोड़कर उससे रिलेटेड आपको क्रिएटिव इंसान बनाया जाता है, रचनात्मक इंसान बनाने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें आपकी तार्किक क्षमता और सूझबूझ का भी बहुत योगदान होता है। तो बाल साहित्य से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, समाधान हो, मैं हमेशा प्रयागराज के मुख्य परिसर में 10 से 5 के बीच में रहती हूँ। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जिन जिज्ञासाओं का मैं समाधान कर सकती थी मैंने किया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहे हैं, कुछ आप सीखना समझना जानना चाहते हैं, तो आप विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आप कभी भी मुख्य परिसर में आकर मुझसे मिल सकते हैं, और इससे जुड़ी किसी भी बारीकी को जानने समझने में मेरा जो भी व्यक्तिगत अनुभव या मेरा जो भी ज्ञान आपके लिए काम आ सकता है वह मैं पूरा देने का प्रयास करूंगी। और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, और बाल साहित्य की ओर निश्चय ही रुझान करिए, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन, परिवार के साथ साथ समाज में भी एक अच्छे साहित्य का निर्माण होगा। और बच्चे देश का भविष्य हैं, तो उन्हें बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बाल साहित्य की आवश्यकता पड़ती है और पड़ती रहेगी। आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।